अगर हम सीधी बात करें तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट। अगर हम पेपर 7 की बात करें तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। पूरा नाम अगर बोले, जो कि हम लोग नहीं बोलते, उसका पूरा नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसके बहुत ही छोटे छोटे पहलुओं को नज़र देंगे। नज़र देंगे मतलब कि देखेंगे, नज़र से हम लोग देखते ही हैं। तो पेपर 7 DT, और यू कैन से DT एंड IT, नॉट IDT, ठीक है। आखिरकार शुरू करते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो बिना सोचे समझे तो कुछ होता नहीं, लेकिन हमेशा सोचते ही रहने से हम लोग कुछ कर नहीं सकते, चलना भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 7, जो कि है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो इस शुरुआत में हमारी पहली जो मुलाकात होगी वो होगी डायरेक्ट टैक्स की बेसिक से। आखिरकार डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, जो बात सीधी हो, जो बात दिल पे लगे, या फिर आपके दिल का मतलब यहाँ पे आपके जो दिल की सबसे करीब है, यानी कि वो लड़का या लड़की नहीं बट पैसा भी हो सकता है। तो मेरा यहाँ पे इंटेंशन है पैसे से। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। उसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए कि वो पेपर 7 तो है, पेपर 7 100 मार्क्स का तो होता है, लेकिन उस 100 मार्क्स में आता क्या है, और वो डायरेक्ट टैक्स है लेकिन वो होता क्या है। होता ऐसा है कि अगर आपसे कोई ये बोल दे कि मान लीजिए कि इस वैलेंटाइन डे आप मान लीजिए एक लड़के हैं और कोई लड़की है, आई नो कि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लड़के ने लड़की को प्रपोज कर लिया मान लो, ठीक है। सुनिए ध्यान से, तो आपको ऐसा डायरेक्ट टैक्स बताऊंगा कि कभी भूलेगा नहीं। अगर आपसे कोई पूछे फ्यूचर में कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, तो ये एग्जांपल आप ज़रूर लीजिएगा, कि अभी तो वैलेंटाइन डे है, आप कोई भी डे पे ले सकते हो ये एग्जाम्पल। आप मान लो एक लड़के हो, लड़की भी हो सकते हो, मतलब जो लड़कियां हैं, आप एक दूसरे को प्रपोज करते हो। मान लो कि एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया, और लड़की ने क्या किया, सीधे ना बोल दिया। क्या बोल दिया? सीधे आंसर है नो। ये एक बात हो गई। आपने एक और लड़की पे फिर ट्राई किया, वैलेंटाइन डे है, 14 डेज में वैलेंटाइन वीक और व्हाट वैलेंटाइन मंथ क्या बोल सकते हैं, जो भी है, आपने एक और लड़की को ट्राई किया, लेकिन आपने इस बार तरीका बदल दिया। आप दोनों का ये कोरोना वायरस वाला खांसी नहीं है वैसे, तो आई होप ना हो शेट। तो अगर जो दूसरा ट्राई था आपका, आपने एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू अप्रोच किया, मान लेते आपका एक कॉमन फ्रेंड है और उस लड़की का भी वो फ्रेंड है, तो उसी को कॉमन कहते हैं। कॉमन फैक्टर निकालने नहीं बोल रहा हूँ, कॉमन फ्रेंड बोल रहा हूँ। आपने इसके थ्रू प्रपोज करवाया, होता है इनसिक्योरिटीज रहती है कि भाई मेरे सामने, अगर डर रहता है बेसिकली, और इसने भी नो बोल दिया, लेकिन इसने नो पहले इसको बोला, और आपका दोस्त है तो थोड़ा अबे यार ठीक है कोई नहीं होता है ऐसा करके समझा के आपको बोला कि यार वो तो उस वो बोलेगा कि उसने ना तो नहीं बोला बट वो अभी रेडी नहीं है, समझ रहे। दोस्त आपको थोड़ी सी इम्पैथी सिंपैथी दे के कोई बात बोलता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्ट यहाँ पे जिस लड़की ने आपको डायरेक्टली ना बोल दिया और आपको बहुत ही
क्या बोलते हैं उसको, हर्ट हो गया, जो आपका दिल है वो कई पार्ट में कट गया, उसको मैं तोड़ के तो नहीं दिखा सकता, मैं बोल देता हूँ कट गया, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया IDT, आपका कटा तो ज़रूर है, लेकिन दिल जो कटा है या टूटा है आपको पता चला, लेकिन दूसरे तरीके से पता चला। और आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो इस टूटने से, क्योंकि आपको कोई सामने से आके नहीं बोलता कि भाई चल, नो नो नो। तो DT IDT में यही फ़र्क है। DT ये आपके इनकम पे डायरेक्टली लगता है, आपने 100 रुपया कमाया या फिर जो भी कमाया उस पे आपके इनकम टैक्स वाले आके बोलेंगे भाई बेटा टैक्स दो, और भी बहुत सारी डिटेल हैं पढ़ेंगे अपने, लेकिन वो बोलते हैं कि ये जो आप 100 रुपया सैलरी कमा रहे हो तो इसमें से कुछ कट जाएगा आपका। तो ये बात होती, अगर आप ड्रीम 11 खेल रहे हो, कोई विनिंग आया 10,000 के ऊपर, तो 30%, 31.2% काट लेगा, ठीक है। IDT में क्या हुआ, आप सपोज करिए कोई चॉकलेट खरीद के लाए हो किसी लड़की को देने के लिए, लेकिन उस चॉकलेट में आपने टैक्स भी दिया है, वो आपको पता नहीं है, ठीक है। मतलब वो आपको पता है अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, लेकिन आपको वो उतना नहीं लगता, वो तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है DT और IDT में। DT वो आपका सीधे दिल पे लगता है, तो दिल वाला टैक्स है, और IDT वाला वो भी दिल पे लगता है लेकिन वो इनडायरेक्टली लगता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और इसको डायरेक्ट टैक्स। DT के बारे में समझते हैं अपने, और फर्दर अपना जो पेपर है, जो ये DT का पेपर नंबर 7 है और ये है पेपर 8, CA फाइनल की हम लोग बात करें। तो डायरेक्ट टैक्स का पेपर जो होता है, अच्छा टैक्स समझते हैं ना, टैक्स क्या होता है, टैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स भी लेती है, डायरेक्ट टैक्स भी लेती है, आखिरकार टैक्स होता क्या है। टैक्स हमारे लिए कि हमारे इनकम का कुछ पार्ट कट गया, और गवर्नमेंट के लिए वो डायरेक्टली इनकम होती है। आप ये गवर्नमेंट है, ठीक है, और हम बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, हमारे कुछ अर्निंग्स होते हैं, इनकम होते हैं, उसको हम लोग इनकम बोलते हैं, हमारी जो इनकम हुई, और उसमें से कुछ पार्ट, मान लीजिए 30% पार्ट गवर्नमेंट को चला जाता है, तो गवर्नमेंट के लिए ये क्या हो गया, गवर्नमेंट के लिए ये इनकम हो गया। लेकिन ये गवर्नमेंट को इनकम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और गवर्नमेंट के इस इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स। और टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट बोलती है कि कितना रहा कितना नहीं रहा, और उसमें भी बहुत सारी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। तो टैक्स क्या है, टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट के लिए एक इनकम है और हमारे लिए एक डिडक्शन है, एज सिंपल एज दिस। मतलब हमारा कटा और गवर्नमेंट में जुट गया, मतलब समझ रहे, ऐसा करके। लेकिन गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिरकार टैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है गवर्नमेंट को, क्यों लेता है गवर्नमेंट टैक्स, नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई देख, मेहनत तो मैं करता हूँ, अगर मैं 1,000 रुपया सपोज कर यहाँ पे मैं कमाता हूँ, तो मैं क्यों दूसरे को दूँ पैसा अपना, इवन पड़ोसी मांगता है तो मैं नहीं देता हूँ, बहाना बना देता हूँ कि भाई मैं। और इंडियन माइंडसेट ये भी रहता है कि हम लोग सेविंग ज़्यादा करते हैं, तो हम सेव करेंगे, बैंक में रखेंगे, भले ही 3% इंटरेस्ट मिले, 4%, लेकिन हम वहाँ रखेंगे, लेकिन देने का तो बात कोई नहीं है, ऑल दो टैक्स इज मैंडेटरी। आखिर ये टैक्स है क्यों, टैक्स बना ही क्यों, बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो उनका भी लॉजिक है। मान लो कि 8 घंटे बोल के जॉब के लिए हम लोग जाते हैं, लेकिन खटाता तो 12 घंटे है, और मैं 12 घंटे कमाऊं, 12 घंटे मेहनत करूं मैं पूरे दिन की, अपनी लाइफ के 50% तो मैं ऑफिस में गुजार देता हूं, और उसका पैसा तुम काट लो,
तो ये गलत है, नाइंसाफी। उनका भी पॉइंट है, लेकिन गवर्नमेंट का भी तो एक कोई ना कोई पॉइंट होगा। क्यों वो टैक्स लेती है, कम लेती है, ज़्यादा लेती है, वो एक डिफरेंट इशू है। कुछ देश जैसे कि सऊदी अरेबिया में पहले टैक्सेशन नहीं था, अभी रिसेंटली वहाँ पे भी इनडायरेक्ट टैक्स आ गया है वैट बोल के, लेकिन अभी भी डायरेक्ट टैक्स वहाँ नहीं है। तो आखिरकार हमारी गवर्नमेंट को या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो उसका सिंपल सा जवाब, जो गवर्नमेंट का एंगल है या फिर कोई भी गवर्नमेंट का एंगल है, वो क्या होगा? आप सोचिए थोड़ा, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्यों इलेक्ट होती है? आपको डेवलपमेंट के लिए, और कोई तो रीज़न नहीं होगा, मकसद तो और कोई नहीं होते ना गवर्नमेंट के, ठीक है? तो डेवलपमेंट वो करेगा कैसे, कैसे करेगा? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है और 1,00,000 करोड़ रुपया लगेगा नेशनल हाईवे बनाने में, से कश्मीर टू कन्याकुमारी, मतलब हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो 1,00,000 रुपया वो कहाँ से लाए? और आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट खुद का बिजनेस करे, कर सकता है ना, लेकिन गवर्नमेंट कितना बिजनेस करेगा? मतलब अब 1,00,000 करोड़ रुपया कहाँ से लाएगा? आपको उसके पहले ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास पैसे आते कैसे हैं, ये ज़रूर आपको समझना चाहिए। एक गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ जगह से, मान लीजिए वो अगर खुद का बिजनेस करता है, जैसे सऊदीया में वहाँ पे जो आरामको या फिर आरामको बोल के एक कंपनी है, जो वहाँ की ऑयल की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो गवर्नमेंट रन बिजनेस है, तो उसमें भयंकर प्रॉफिट होता है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के बिजनेसेस हैं वहाँ पे। तो ये एक तरीका, जैसे हमारे यहाँ LIC हो गया, अपने यहाँ इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, तो ये सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल PSUs, स्टेट PSUs, गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, वहाँ से एक चंक ऑफ मनी आता है जो डेवलपमेंट में यूज़ हो सकता है या फिर सोशल वेलफेयर्स के लिए यूज़ हो सकता है। डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर भी हमें इंक्लूड कर देना चाहिए। और दूसरा पार्ट क्या होगा, गवर्नमेंट लोन भी ले सकती है। जैसे हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए लोन लेते हैं, तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए भी लोन ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। और जो तीसरा और सबसे मेजर पार्ट होता है, वो टैक्सेस होते हैं। तो टैक्स गवर्नमेंट के लिए इनकम तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी एक लायबिलिटी भी है कि हम उसको सही जगह पे खर्च करें और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के फायदे के लिए उसको लगाएं। तो बेसिक यूज ऑफ द टैक्सेशन इज फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर और नथिंग एल्स। हाँ, बोल सकते हो करप्शंस भी बहुत होते हैं, लेकिन इसीलिए हम बोलते हैं ना कि CAG की जो रिपोर्ट आती है कि वो एनालाइज करता है कि गवर्नमेंट के ने जो टैक्सेस, जो इनकम कलेक्ट की इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ओके, ये साउंड थोड़ा, सॉरी फॉर दैट। जो CAG की रिपोर्ट आती है उसमें इनकम को हम लोग कहाँ यूटिलाइज करते हैं, वही तो हम लोग उस रिपोर्ट के थ्रू जानते हैं। तो गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल है, जैसे कि बहुत सारे स्कैम्स भी आते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने ये फंड दिया था बट वो यूज़ नहीं हुआ वहाँ, तो दैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न। तो मेजरली टैक्सेशन, और बॉर्ड नहीं जाते इस पर, हमारे यहाँ जो दो टाइप के टैक्सेशन है, यहाँ पे मैं आपको अगर कैटेगराइज कर दूँ तो DT and IDT बेसिकली। अब जैसे इसमें आ गया इनकम टैक्स और इसमें आ गया GST कस्टम, ठीक है। तो ये दो ब्रॉड वे ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है, और उसमें आज हमारा जो टॉपिक है
वो है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और ये जो हमारा कंटेंट है वो सारा एप्लीकेबल किस पे होगा, अफकोर्स ये सीए फाइनल के लिए है, बट बेसिक्स कैन एनीवन कैन डू दैट, बट एंड दिस इज फॉर स्पेसिफिकली नवंबर 20 बैच, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब बात करते हैं कि जो मेन कोर चीज़ है हमारी पेपर 7 के बारे में। चलिए, आखिरकार कितने मार्क्स का होता होगा पेपर, पेपर 7 कितने मार्क्स का है, एनी गेसेस? इसको शॉर्टकट में अपने डीटी बोलेंगे, प्यार से अपना डीटी। हाँ पता है इंटरनेशनल टैक्सेशन भी है, बट बोल बोलचाल की भाषा में हम उसे डीटी बोलते हैं। कितने मार्क्स का है डीटी बेचारा, कोई गेस? आपने क्लास 10 में पढ़े थे तो कितने मार्क्स का एग्जाम दिए होंगे, 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल था। हाँ किसी का 70 मार्क्स का भी रहा होगा, 30 मार्क्स के भी प्रैक्टिकल्स होते हैं कहीं कहीं स्टेट्स में, और ट्वेल्थ में भी पढ़े तो वैसा ही था। लेकिन जो आपने बीकॉम पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, तो हमारा जो पेपर है वो 70-80 का नहीं 100 मार्क्स का है। सबको पता है, आई नो, बट मैं थोड़ा सा बस बता रहा था। लेकिन इस 100 मार्क्स में क्या चीज़ें कितने मार्क्स की आती हैं, ये आपको समझना होगा। जैसे डीटी है और इंटरनेशनल टैक्सेशन है, तो अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है और ये है इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो 70 मार्क्स का आता है, और ये आता है अफकोर्स तीसरा, तो यहाँ पे हम नहीं खींच रहे, 30 मार्क्स का। अभी मत पूछना कि क्यों आता है, ये पैटर्न है हमारे एग्ज़ाम पैटर्न का, या फिर सब्जेक्ट का ऐसा कंटेंट है, या फिर ऐसा एग्ज़ाम लिया जाता है, बस इतना। मतलब क्यों आता है 70 का, आईटी का 70 का कर देना चाहिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आई गेस। अब इस 100 मार्क्स में से आपको अगर पता हो कि हमारे इंस्टीट्यूट ने MCQs भी इंट्रोड्यूस किए, तो अब इन 100 मार्क्स में से MCQs कितने के आते होंगे? अभी तो बताया नहीं, बताया ना, 30 MCQs आते हैं, और जो 70 मार्क्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव आ जाएंगे। ये जो 70 मार्क्स है वो डिस्क्रिप्टिव हो गए, तीस मार्क्स के जो अपने जो बोलते हैं कि टिक 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 करने वाले, या फिर MCQs चूज करना और विथ रीज़न लिखना, वो हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव में मतलब आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है आंसर को ज़्यादा डिटेल में, तो उसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। और अब इस 30 मार्क्स के MCQs में भी दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 10 क्वेश्चंस, टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ऑफकोर्स 2 मार्क्स के, बैलेंसिंग फिगर 2 × 10 = 20, 10 = 30 - 10 = 20। तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। 70 मार्क्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो होता है कंपलसरी वाला क्वेश्चन, ठीक है, और ये होता है टोटल मार्क्स कितना होता है इसमें, 14 मार्क्स होते हैं। और फिर जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 and 6, अब इसमें से आपको चूज करने पड़ते हैं एनी 4,
मतलब आउट ऑफ फाइव यू नीड टू आंसर एनी फोर क्वेश्चन, अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर वन में जनरली क्या आता है, आप पेपर का पैटर्न समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो पहले ये बताओ। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, 100 मार्क्स का पेपर हो गया, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव हो गए। क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी है और ये जनरली पीजीबीपी से आता है, बिजनेस प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से जनरली उस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं जो क्वेश्चन नंबर वन रहते हैं। और इसमें डीटी और आईटी मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन का मिक्स रहता है। एक क्वेश्चन मान लीजिए अगर क्वेश्चन नंबर 2 14 मार्क्स का आ गया, उसके में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उसमें मान लीजिए 8 मार्क्स का डीटी हो सकता है, 6 मार्क्स का आईटी हो सकता है, या फिर 6 मार्क्स का डीटी हो सकता है, 8 मार्क्स का आईटी हो सकता है, ठीक है रिस्पेक्टिवली। तो ये 14 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए 14 × 4 = 56 और ऊपर आपका 14, तो टोटल हो गया 70। तो ब्रेकअप कितना हो गया इसका, ये हो गया, और इसका 30 मार्क्स जिसमें से ये 10 और ये 20, समझ रहे हैं। पेपर को क्रैक करना है अपने को, और कुछ तो बाद में आता है। पहला बात तो हमें पेपर क्रैक करना है, तो पेपर क्रैक करने से पहले हमें पेपर को समझना पड़ेगा। कोई भी पेपर को पढ़ने से पहले अगर हम पेपर को समझ लें कि भाई अपने को 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, 14 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा अगर चैप्टर से आता है जनरली, या फिर डीटी से कितने आ रहे हैं, आईटी से कितने आ रहे हैं, समझ रहे हैं, डीटी से कितने आ रहे हैं या फिर आईटी से, डीटी से जनरली 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जनरली, नहीं सही में आते वहाँ जनरली नहीं, आईटी से 30 मार्क्स का। तो आपके माइंड सेट में ये क्लियर हो जाएगा पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, 100 मार्क्स, 30 मार्क्स एमसीक्यू, 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। क्वेश्चंस कितने आएंगे, 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के रहते हैं और मेरे को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 1 कंपलसरी रहेगा और रेस्ट 5 में से मेरे को 4, ठीक है। टोटल क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव में 6, उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं, क्लियर। चलिए ओके, अब कुछ चीज़ें जो हम फोकस करेंगे, मान लीजिए हमारे नवंबर 2020 एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। आखिरकार इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी बताइए, उसके पहले हम बात करते हैं कि हम लोग बिल्कुल कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी इंक्लूडेड सिलेबस में, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो अभी हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अच्छा, उसके पहले मतलब ये बताइए कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे या फिर एक्सक्यूज मी इनकम टैक्स लॉ, बताइए। हम लोग बड़े ही डेफिनेशन में लिख देते हैं या फिर जो भी बेयर एक्ट लिखना पड़ता है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, पढ़ेंगे क्या हम लोग बताइए। हमने ज़्यादातर क्या सुना होगा, इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन हमें पढ़ना है वो है इनकम टैक्स लॉ। अब ऐसा इसलिए है कि इनकम टैक्स एक्ट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, समझ रहे हैं। सपोज करिए मैं एक सर्कल बनाता हूं, बन जा भाई, सर्कल नहीं लग रहा, अब लग रहा। ये सर्कल जो है वो है
इनकम टैक्स लॉ का। अब इस सर्कल में आपको इनकम टैक्स एक्ट भी मिल जाएगा, इनकम टैक्स के रूल्स भी मिल जाएंगे, इनकम टैक्स के केस लॉज भी आपको मिल जाएंगे, इनकम टैक्स के सर्कुलर्स भी आपको मिल जाएंगे और नोटिफिकेशंस भी। कितना अच्छा लग रहा है सर्कल, लग रहा है हाथ से बनाया। ऑफकोर्स हाथ से बनाया, मतलब आर्टिस्ट तो हम अच्छे हैं ही। तो एक्ट, रूल्स, केस लॉज, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, ये सारे पार्ट हो गए एक ब्रॉडर टर्म के। जैसे टैक्स एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सीए फाइनल एग्ज़ाम एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें 8 पेपर्स हो गए, ठीक है, ग्रुप 2, ग्रुप 1, वो एक ग्रुप हो गया। तो वैसे ही इनकम टैक्स लॉ एक ब्रॉडर सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर बहुत लोग आ गए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स लॉ क्या है और इनकम टैक्स एक्ट क्या है। तो ये तो हमें पढ़ना ही है और ये एप्लीकेबल है नवंबर 20 एग्ज़ाम्स के लिए। और क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल हैं या फिर और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं, तो पहले बात की अभी फैब का मंथ चल रहा है, वैलेंटाइन मंथ भी बोलते हैं इसको, लेकिन इसको हम लोग बजट कभी मंथ बोलते हैं, ठीक है, अपने जो सीए प्रोफेशन में है। तो एक रिसेंटली बजट आया होगा जिसमें हमें ऑप्शनल टैक्स स्लैब मिले, जस्ट लाइक कि एमसीक्यूज कि कौन सा टैक्स स्लैब आपको अच्छा लग रहा है, टिक मारी। बेसिकली वही होगा जैसे एसएफएम में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, या फिर यहाँ इन्वेस्ट करें या फिर वहाँ इन्वेस्ट करें, तो हम चूज़ करते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करें, या कैलकुलेशन निकाल के कि भाई कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो हम भी ये कैलकुलेशन अभी हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि ये किस लिए एप्लीकेबल है, किस साल के लिए एप्लीकेबल है। तो ये एप्लीकेबल है प्रीवियस ईयर्स 2021 के लिए, लेकिन जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो है 1920, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर नवंबर 20 एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नवंबर 20 एग्ज़ाम्स के लिए क्या एप्लीकेबल होगा? नवंबर 20 एग्ज़ाम के लिए अगर आपको याद हो, एक बजट, दो बजट आए थे, मतलब एक इंटरिम बजट आता है फिर एक फुल बजट आता है। इलेक्शन ईयर, वो इलेक्शन जिसमें एक नारा बहुत ही बुलंद हुआ था कि मोदी है तो मुमकिन है, और सरकार जो प्रो इनकम्बेंट सरकार थी वो फिर से सरकार बन गई उनकी। तो उस समय एक बजट आया था जिसमें ये बात, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही गई थी, क्योंकि वो इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन बजट था, उसको इलेक्शन बजट भी बोलते हैं। तो वो बजट आया था 1 फरवरी 2019 को। तो बजट में क्या होता है, फिनेंस एक्ट आता है, तो फिनेंस एक्ट उसको क्या बोलते हैं, फिनेंस एक्ट। तो फिनेंस एक्ट हर बजट में, फिनेंस एक्ट 2018, फिनेंस एक्ट 2019, लेकिन हर साल एक होता है, लेकिन इस साल दो हो गया, क्योंकि इलेक्शन के वक्त एक नई जो सरकार बनती है मई में, तो उसके बाद एक नया बजट आता है जो कि वो फुल बजट होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनेंस एक्ट। अब दो है, तो पहले वाले को हम लोग बोलेंगे नंबर वन, ऑफकोर्स 2019 का है, और ये आया था पीयूष गोयल, अगर आपको याद हो तो बजट लेके आए थे, अरुण जेटली जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमारे पीयूष गोयल साहब ने वो बजट पेश किया था।
ये फर्स्ट फैब 2019 को आया था। फिर आफ्टर इलेक्शन जो दूसरा बजट आया उसको हम लोग बोलते हैं फिनेंस एक्ट नंबर 2। ये भी 2019 में आया था और ये डेट थी 5 जुलाई 2019 को। तब यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, सॉरी फिनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। और यहाँ पे पीयूष गोयल साहब थे इंटरिम फिनेंस मिनिस्टर, क्योंकि अरुण जेटली जी की तबीयत खराब थी। कहने का मतलब ये नहीं कि अरुण जेटली और पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण जी, कहने का मतलब ये कि दो बजट आए थे प्रीवियस ईयर्स 1920। हम बात करेंगे हमारा प्रीवियस ईयर क्या है या फिर असेसमेंट ईयर क्या है इसके बाद। और अगर आपको एक बात याद हो कि निर्मला सीतारमण जी ने एक ऑर्डिनेंस लाया था जिसमें बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग करो 17% का ही टैक्स लगेगा अगर आपने स्टैब्लिश किया, तो बहुत बड़े बड़े रिलीफ उन्होंने लाए थे। तो वो भी हमारा पार्ट होगा जिसका नाम होगा टैक्स, जिसका नाम था, ये आवाज किसकी है? घर में संग बज रहा है, पूजा हो रहा है। टैक्सेशन ऑर्डिनेंस, ठीक है, 2019। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? बेसिकली जब सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट जब नहीं चल रही होती है, सांसद संसद जब नहीं चल रहा होता है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है वो कुछ मतलब लॉज या ऑर्डिनेंस, वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। इट इज इक्वली कॉम्पिटेड विद द ऑर्डिनेंस, बट इसको लॉ बनाना बनाया जाता है फिर संसद में, इसका एक ड्यूरेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस टेक्निकलिटी में नहीं जाके हम ये बता रहे हैं कि जो वो अमेंडमेंट्स आए थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नया सेटअप करेगा उसके लिए इतना टैक्स लगेगा, कंपनीज पे टैक्स रिड्यूस कर दिए गए थे, तो वो सारे जो रिलीफ मिले थे क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी डाउन टर्न चल रहा है उसमें, तो उसको बूस्ट करने के लिए इन्होंने, ऊपर इस कॉन्फ्रेंस बहुत ही हिट हुई थी, बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा था मार्केट पे, तो वो भी इंक्लूडेड है। अब ये कब आई थी? अगर आपको याद हो तो ये आई थी सितंबर में, और एग्जैक्ट डेट मैं बता देता हूँ, ये रहा 20 सितंबर को। और इसी को फिर आगे जाके इसको बना दिया गया टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये दिसंबर में हुआ था जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था। तो बेसिकली फिनेंस एक्ट नंबर 1 पढ़ना है, फिनेंस एक्ट नंबर 2 पढ़ना है, और टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट। अब ये यहाँ पे ऐसे हो गया, और इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ना ही है, इनकम टैक्स लॉज तो पढ़ना ही, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको एक बेसिक डाउट आता है कि जैसे हमने अभी ऊपर बात की रूल्स, सर्कुलर नोटिफिकेशन के इस लॉज, तो सर्कुलर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं हमेशा, तो कब तक एप्लीकेबल होगा आपके लिए जो सर्कुलर नोटिफिकेशन आएगा? तो जनरली, जनरली नहीं, पास्ट मतलब 6 मंथ्स के पहले जो है, तो हमारा अगर नवंबर में एग्ज़ाम है तो उसके लिए जो टेंटेटिव डेट है सर्कुलर नोटिफिकेशन जहाँ तक आपको कवर करनी है वो 30 अप्रैल है, ऑफकोर्स 2020, ठीक है। अब जो मई में एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनके लिए अक्टूबर होगा, ठीक है, 30 अक्टूबर। तो यहाँ तक के जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं, रूल्स हुए या फिर सर्कुलर्स हुए, वो भी एप्लीकेबल होंगे हमारे इस स्टडी में, वो भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो कहने का मतलब मेन जो चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान देनी है, कौन सा बजट एप्लीकेबल होगा। जैसे कि अभी नया नया जो बजट आया है बहुत ही डिफरेंट है, नया पर्सपेक्टिव से आया है, वो हमारे को नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है जो बजट इलेक्शन ईयर में आया था, इलेक्शन बजट को हमें पढ़ना है। वो भी बजट बहुत अच्छा था, मतलब लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आपको
रिबेट मिली थी 12,500 की और टैक्स पीछे भेज लो, उसमें हेडलाइन चली थी कि भाई 5 लाख के टैक्स माफ। ऑल दो वो इतना सिंपल है नहीं कि बस 5 लाख के टैक्स माफ हो गए, 5 लाख बोलने को है बस, अगर आप 7 लाख कमाओ तो 1 रुपया माफ नहीं होगा, समझ रहे हो। तो उसको हम लोग समझेंगे कि आखिरकार उसका क्या मतलब है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ जिसमें कि बहुत सारे फार्मर्स को ये बोला गया था कि आपको 6,000 डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स उस बजट में लाई गई थी, बहुत सारे चेंजेस उस बजट में लाए। तो हमारा जो सिलेबस इंक्लूड करता है वो इलेक्शन बजट होगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नवंबर 20 सी फाइनल पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, और जो भी बहुत अमेंडमेंट हुए, सर्कुलर नोटिफिकेशंस आए, वो 30 अप्रैल तक कवर होगा। ऑल गुड, चलिए। तो कुछ और बेसिक चीज़ें मैं बता के कंक्लूड करता हूँ। तो अगर मैं ये बताऊँ कि कुछ चीज़ें और जो डिस्कस करनी है, जैसे कि अगर हमें डिस्कस करना हो कि हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है, तो नवंबर 20 एग्ज़ाम्स मैं बार बार लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़रूरी है लिखना, ठीक है। तो नवंबर 20 के लिए प्रीवियस ईयर्स है 2019, ऑफकोर्स 2020। प्रीवियस ईयर्स को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, लेकिन टैक्सेशन के लैंग्वेज में हम उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, ठीक है। असेसमेंट ईयर है 2020-2021, और इसका डेट बोला जाए तो क्या होगा, 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, और यहाँ पे 1 अप्रैल 22 31 मार्च 21। तो प्रीवियस ईयर ये हो गया और असेसमेंट ईयर ये हो गया, क्लियर है कि हमारा प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर। एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो कि और मुझे लग रहा है कि डिस्कस कर लेनी चाहिए, जैसे कि अभी लिखा है सेक्शन, मान लीजिए सेक्शन कुछ भी 14 ये ऐसे ऐसे करके लिखा है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, तो इसको पढ़ेंगे क्या, सेक्शन 14 ब्रैकेट ओपन 2 ब्रैकेट क्लोज 2 कैसे पढ़ेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें इन सारे टर्म्स पे बात करनी है फ्यूचर में, तो इसको क्या बोलेंगे। तो ज़्यादातर लोग को पता ही है इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, आई मीन सेक्शन, ये सेक्शन हो गया, ये सब सेक्शन, इसको क्लॉज, इसको सब क्लॉज। तो क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 क्लॉज 6 सब क्लॉज बी। जैसे कि अगर हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 क्लॉज 6 सब क्लॉज बी, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे बोल सकते हैं सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 6 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14, एक उल्टा केस में, तो सेक्शन 14 ये बेटर है, सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6 सब क्लॉज बी। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी, इसमें भी एक हल्का सा माइनर ट्रिक है, जैसे कि अगर आपको सेक्शन 2 जो डेफिनेशन के सेक्शन रहते हैं जिसमें बहुत सारे डेफिनेशंस दी रहती हैं, अगर इसमें लिख दिया सेक्शन 2 और ब्रैकेट में 14, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे सेक्शन 14 और ये 2, तो इसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं और इसको सबसेक्शन बोलते हैं। मतलब आप अगर ये रट्टा लगा लो कि सेक्शन 14 के बाद जो आएगा वो सबसेक्शन होगा, वो गलत है।
मैं इसके पीछे का लॉजिक देता हूँ कि आखिरकार इसको क्लॉज क्यों बोलते हैं और इसको सबसेक्शन क्यों बोलते हैं। लॉजिक से ही समझ में आएगा। जब कोई भी सेक्शन का जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारे, जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 44 इनकम का हो गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफ़र का हो गया, ये सारे डेफिनेशंस हैं। ये हर पार्ट जो है इसके वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। मतलब 14 के बाद जो 15 आ रहा है, 15 के बाद जो 16 आ रहा है, 44 आ रहा है, ये इंटरलिंक नहीं है। क्या है? इंटरलिंक नहीं है। तो जब ये दोनों इंटरलिंक नहीं होते, हर पार्ट अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 14, सेक्शन 2 क्लॉज 44, सेक्शन 2 क्लॉज 15, सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2। ऐसा इसलिए कि हर क्लॉज या फिर हर पार्ट जो इसमें है, सेक्शन 2 एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, उन पॉइंट्स में जो हर बात लिखी हुई है वो टोटली डिफरेंट है। सो बेसिकली सेक्शन 2 इज अ सेक्शन ऑफ डेफिनेशन, जिसमें डेफिनेशंस बहुत सारी दी गई हूँ, तो हर चीज़ का डेफिनेशन अलग है, तो वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉज। और यहाँ पे जो सेक्शन 14 है, सेक्शन 15 है, वो उसका जो पार्ट, ये जो उसमें पार्ट 1 भी बोला गया, पार्ट 2 भी, पार्ट 3, ये सेक्शन 14 का ही पार्ट है, मतलब इंक्लूडेड है, 1, 2, 3 सब रिलेटेड है, तो उसको बोलते हैं ये, जैसे यहाँ पे ये इंटरलिंक नहीं है और ये इंटरलिंक है, तो जब इंटरलिंक रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेक्शन। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 2। आई होप मैं बता पा रहा हूँ क्लियरली कि सेक्शन 14 या फिर क्लॉज कब बोलते हैं और सबसेक्शन कब बोलते हैं। ठीक है, डन। और जैसे हम लोग बहुत सारे केस क्लॉज पढ़ेंगे, तो मान लीजिए कोई केस लॉ का नाम है CIT वर्सेस CC, मान लीजिए क्लियर सी एग्जाम्स CCE, और ऐसे कुछ लिखा है 268 CTR 56 2019 और SC। तो ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होगा? जैसे ये केस लॉ है तो केस लॉ का नाम ऐसे लिखा रहेगा, तो इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, क्या मतलब है? अब देखिए, जो पहला नाम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कि है एप्लीकेंट। क्या है? एप्लीकेंट मतलब जिसने केस फाइल किया है। तो जैसे यहाँ पे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो हमेशा जो फर्स्ट नेम रहता है उसको हम लोग एप्लीकेंट बोलते हैं। ठीक है, जो केस फाइल करता है उसका नाम पहले आता है। अब जैसे दूसरे के जो वर्सेस है, मतलब ऑफकोर्स इनके खिलाफ ये केस फाइल हुआ है, तो जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ रेस्पोंडेंट बोलते हैं उसको, तो ये हो गया रेस्पोंडेंट, मतलब ये रेस्पॉन्स करेंगे इनके केस के ऊपर। इन्होंने केस फाइल किया कि ऐसा ऐसा है कि इन्होंने टैक्स नहीं दिया, तो जो रिस्पोंडेंट जो CCE है वो क्या करेगा, यहाँ पे रिप्लाई देगा, तो उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट, रिस्पॉन्स करेगा। और ये आपका ईयर हो गया और ये आपका कोर्ट हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, और ये आपका जहाँ पे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, कहाँ पे नोटेड है, जैसे बुक्स हो गया, वो वहाँ पे पेज नंबर मान लो 268 या फिर सब, वो एक जैसे कि होता है ना लाइब्रेरी में बना हुआ है कि यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो ये केस कहाँ नोटेड हुआ, तो ये पार्ट उसके लिए। और ये ईयर हो गया और ये कोर्ट हो गया और ये एप्लीकेंट और ये रेस्पोंडेंट, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन इतना रखने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। ऑफकोर्स पेपर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका पूरा नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। हमने बात की कि डायरेक्ट टैक्स
लॉ क्या होता है जो आपको डायरेक्टली आपके इनकम पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स लॉज क्या होते हैं जो इनडायरेक्टली आपको लगते हैं। जैसे आपने कैडबरी खरीदी 100 रुपये की, तो उसमें टैक्स लग गया, आपने 100 रुपीज़ का रिचार्ज किया तो आपको 81 रुपीज़ ही मिला, जिसमें 18-19 रुपया टैक्स कट गया तो वो एक इनडायरेक्ट हो गया, लेकिन आपको उतना इफेक्ट नहीं करता है, आपके डायरेक्ट इनकम पे नहीं लगता, जबकि वो इनडायरेक्टली आपको लगता है, मतलब थर्ड पार्टी कलेक्ट करता है। जैसे आप कोई ट्यूशंस लेते हो तो उसमें जो पार्ट रहता है जो टैक्स का, वो कट जाता है। जैसे आपको सैलरी मिलती है तो वो कट जाती है, तो दैट इज़ इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का यही मेजर डिफरेंस है, ऑल दो वो सारे टैक्सेस ही हैं। टैक्स आखिरकार होता क्या है? गवर्नमेंट के लिए इनकम है, वो टैक्स कलेक्शन है, हमारे लिए एक डिडक्शन हो गया। गवर्नमेंट के लिए जो इनकम होती है उसको हम लोग टैक्स बोलते हैं, टैक्स कलेक्शन। गवर्नमेंट आपके इनकम में से कुछ पैसे रख लेती है, किस पर्पज़ के लिए? जनरली डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर के लिए। अब गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिलता है? जनरली बिजनेस लोन और टैक्सेस, मेजर चंक तो टैक्सेस से आता है, और टैक्सेस दो टाइप के होते हैं। तो गवर्नमेंट किस लिए टैक्स लेती है? टैक्स समझ में आ गया, टैक्स किस लिए लेती है गवर्नमेंट, या फिर हम लोग किस लिए देते हैं? दो पर्पज़ के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए। तो ये टैक्सेस का पार्ट क्लियर हो गया कि हम लोग आखिरकार टैक्स है क्या, या फिर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। जो मेन यहाँ से जो मेन हम लोग मुद्दा अपना मोर फोकस्ड ऑन पेपर है, वो है पेपर 7 में कितने मार्क्स का आता है। ऑफकोर्स 70-30 का ब्रेकअप है, डायरेक्ट टैक्स 70 मार्क्स के आते हैं, इंटरनेशनल टैक्स 30 मार्क्स के आता है। 100 मार्क्स में से 30 MCQs जो आते हैं, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स है। 70 मार्क्स में से पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी रहता है, जनरली PGBP से आता है, वो 14 मार्क्स का होता है, और जो रेस्ट ऑफ 5 रहता है उसमें से एनी 4 आपको अटेम्प्ट करना रहता है, वो ईच क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। तो 56 + 14 = 17, और ये 30, टोटल 100 हो गया। अब हमारे नवंबर 20 एग्जाम्स में क्या क्या सिलेबस में इंक्लूड है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट लॉज, रूल्स, केस लॉज। अब इनकम टैक्स लॉ एक ब्रॉडर टर्म, उसमें इनकम टैक्स एक्ट भी आ जाता है, रूल्स भी आ जाते हैं, केस लॉज भी आ जाते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं। हमारे लिए कौन सा बजट अप्लीकेबल होगा? जो इलेक्शन ईयर का बजट था, उस इलेक्शन ईयर में दो बजट आए थे, क्योंकि वो इलेक्शन ईयर था, वो इंटरिम बजट आता है और एक फुल बजट आता है, तो उसको बोला गया फाइनेंस एक्ट नंबर 1 नंबर 2। और एक ऑर्डिनेंस भी आया था बीच में जिसको हम टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट बन गया, जिसमें ये बोला गया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करो तो ये टैक्स हो जाएगा, और कंपनीज का टैक्स भी रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। हमारे पे जो नोटिफिकेशन और सर्टिकुलर्स 30 अप्रैल तक के जो आएंगे वो सारे एप्लीकेबल होंगे। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर्स नवंबर 20 के लिए 2019 और 2020, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 2020-2021। अब इसको क्या बोलेंगे? सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6 सब क्लॉज B। लेकिन अगर वो एक दूसरे से इंटर रिलेट नहीं करता तो उसको क्लॉज बोलते हैं, जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 14, अगर वो इंटर रिलेट कर रहा है तो उसको सबसेक्शन बोलेंगे। केस लॉज में क्या होता है? केस लॉज में जो केस होता है उसमें जो पहला नाम होता है वो एप्लीकेंट, फर्स्ट नेम एप्लीकेंट का होता है, दूसरा नेम जो वर्सेस के बाद आता है उसको रिस्पॉन्डेंट बोलते हैं, और उसके बाद जो लाइन जो नंबर्स लिखे रहते हैं वो बेसिकली रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन किए गए उसके लिए एक नंबर लिखा, जिससे कि वो लोग खोज पाएंगे रिकॉर्ड कहाँ पे। 2019 ईयर हो गया, और SC हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट रहेगा वो लास्ट में कोर्ट का नेम रहता है। तो ये सारी बहुत ही बेसिक्स डिस्कशंस हो गए, और इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, टैक्स रेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या टैक्स स्लैब है नॉर्मल पीपल के लिए। नॉर्मल पीपल मतलब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और बिलो 60, तो उनके लिए टैक्स रेट्स क्या हैं, कंपनीज के लिए टैक्स रेट क्या है, सरचार्ज क्या है, रिबेट क्या है, मार्जिनल रिलीफ क्या है, तो टैक्स रेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। खांसी आ रही है, ठीक है।